हम लेसन यहाँ से पढ़ रहे थे, निषाद हैड ओबियसली नॉट इवन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निषाद ने वास्तव में मेरी जो लिस्ट मैंने बनाई थी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऑल ही कुड से वाज़ पुअर मैन माया, और जो वो कह रहा था बेचारा आदमी माया, ही मस्ट बी सो लोनली, वो कितना अकेला है। इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, यदि इसका कोई दोस्त नहीं, हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, वो उसको कहते हैं मूर्ख, जो अपराधी उसके दोस्त कैसे होंगे। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं पूरी तरह से चिल्लाई, एट लीस्ट ही वॉज वन फ्रेंड, कम से कम उसका एक दोस्त है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, केवल वो उसको संडे को मिलने आता है, सैड निषाद ने कहा। आई ए ब्रिलियंट थॉट ओकर टू मी जस्ट देन, एक तभी एक बहुत अच्छा विचार मेरे पास आता है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम, वास्तव में उस व्यक्ति ने क्या होगा, मिस्टर नाथ का साथ दिया होगा क्राइम के अंदर। आई सेड, मैंने कहा, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, हो सकता है वो सारी लूट अपने पास रखता हो और अपने पार्टनर को उसका भाग देता हो। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मिस्टर नाथ खर्चे के लिए, दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, यही ठीक है, मैं कहती हूँ मैं सही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, यदि तुम उसको एक अपराधी कहने पर जोर देती हो, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, और वो कहता है कि मैं नहीं सोचता कि मुझे तेरे साथ कोई बात डिस्कस करनी चाहिए माया। सैड निषाद, एंग्रीली निषाद ने नाराज़ होते हुए कहा, ही कांट बी सच ए बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स, वो कोई बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता यदि रमेश को इतने अच्छे टिप्स देता है तो। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, शायद रमेश पास्ट के बारे में कुछ जानता हो। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, इसलिए मिस्टर नाथ को जरूर उसको रिश्वत देता होगा चुप रहने के लिए। आई सेड, मैंने कहा, निषाद ग्लेयर्ड एट मी, निषाद ने मेरी तरफ घूरा, विद हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, अपनी इनकी हाथों को तानते हुए। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और मैं उससे शुरू से ही उसे तंग आ चुके थे। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस, हम अपने जो इन्वेस्टिगेशन उसमें प्रोग्रेस कैसे करेंगे। इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, यदि तुम इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो सेवन, आई आस्क, मैंने कहा, आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया, ये कहता है कि मैं केवल तभी आपको कोऑपरेट करूँगा जब तुम इस आइडिया को, विचार को त्याग दो अबाउट हिम बींग एन एस्केप्ड क्रूक, कि बचा हुआ अपराधी के बारे में जो विचार है आपको वो त्याग दो। सैड सेवन ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, वास्तव में तुमने मुझे नाराज़ कर दिया। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसको मारने की कोशिश की। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड, ऊफ, आई शाउटेड, मैंने नाराज़ कर दिया तुम मूर्ख, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुमने मेरे को पागल कर दिया। वाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, इन सारी इंक्वायरीज का मतलब क्या है। इफ़ ही इज़ नॉट ए क्रूक, यदि वो अपराधी नहीं है तो, इफ़ यू थिंक ही इज़ ए नोबडी, वाट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, किसका विचार था उसके बारे में चिंता करने का जब वो कोई है नहीं तो। निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद सोचता हुआ दिखाई दिया। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन, मैं जानना चाहता हूँ वो इतना पतला क्यों, एंड वाई ही इज़ सो लोनली, और वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है, एंड लिव्स अलोन, और अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, सेवन समझने की कोशिश करो। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर, यदि वो शंकर हाउस में रहता है एक साल से, एंड हैजंट मेड ए सिंगल फ्रेंड, और कोई सिंगल दोस्त भी नहीं बनाया है, देर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो कुछ तो गलत है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, वो वास्तव में ही दुखी था कि कोई उसको पहचान लेगा, एंड गिव हिम टू द कॉप्स, और वो उसको क्या करेगा, जो पुलिस है उसको दे देगा। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, और इसीलिए वो किसी से दोस्ती नहीं करता। निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद ने विरोध किया, वाई शुड एनी वन बोदर, क्यों कोई उसके बारे में बीच में बोलेगा। कहता है, यू हैव सीन वाट ए नेस्टी बियर ही इज़, तुम देखते हो कितना वो गंदा सा प्राणी है। आई सैड, मैंने कहा, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, एंड सैड निषाद स्टबर्नली, निषाद ने दृढ़ होते हुए कहा, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उसको पसंद करता हूँ और उसका दोस्त बनूंगा। फ्रेंड्स विद ए क्रूक, अपराधी से दोस्ती, हाँ, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो रहे हो सेवन। आई सेड, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल, जो सिपाही है वो तुम्हें जेल ले जाएंगे विद हिम, उसके साथ ही। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन,
डू यू वॉन्ट टू दैट टू हैपन, यू इडियट, तुम क्या चाहते हो ये ऐसा हो तुम्हारे साथ? निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम. निषाद मेरी तरफ घूर रहा था और कमरे से बाहर निकल गया. माई थ्योरीज सीम्ड टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. और मेरी जो थ्योरी थी उसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ.